धन है, विधि लिंग लकार में चैप्टर दिया हुआ है। अब इस चार्ट को समझ लेते हैं, विधि लिंग की जो लकार चलती है उसका मीनिंग क्या होता है। प्रथम पुरुष में आपको पता है सह तौ ते लगता है, तो सह का मतलब है वह या उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए। मध्यम पुरुष तुम यूयाम यूयम होता है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, और एतः का मतलब पठे, एतः का मतलब है तुम सबको पढ़ना चाहिए। धातु कोई भी हो, ये जो एतः एताम एयू लिखा है इसी में ऐड करके आपका ये लकार बनेगा। अब उत्तम पुरुष में आते हैं, उत्तम पुरुष होता है अहम आवाम वयम होता है, तो ऐसे में अहम का मतलब है मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए और हम सबको पढ़ना चाहिए। अब संस्कृत का एक एक लाइन समझते हैं। अध्यापक कक्षाम प्रविशति, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं। सर्वे का मतलब है सभी, छात्र उत्थाय मीन्स उठकर, अध्यापक नमन्ति मीन्स नमस्कार करते हैं। अध्यापक छात्रान दृष्ट्वा पृच्छति, अध्यापक छात्रों को देखकर पूछते हैं। सर्वे छात्रा उपस्थिता, क्या सभी छात्र उपस्थित हैं? एक छात्र, उसमें से एक छात्र बोलता है। आचार्य संजीवा गच्छत, संजीव नहीं आया। अध्यापक किमर्थम, क्या हुआ? अपि तस्य गृहे सर्व कुशलम, क्या उसके घर में सब कुछ कुशल तो है? अपि मतलब उसके, गृह मतलब घर में, सर्व मतलब सभी, कुशलम मतलब कुशल, तो क्या सभी उसके घर में सभी कुशल तो है? अराजीव न आचार्य, नहीं आचार्य। सह ज्वरेण पीड़ितः अस्ति, वह तो मौसमी ज्वर, ऋतु का मतलब है मौसमी ज्वर से पीड़ित है, अस्ति का मतलब है, अतः विद्यालयम् नागच्छता, इसलिए विद्यालय नहीं आया। अध्यापक एतत् ज्ञात्वा दुखम अनुभवामि, ऐसा, एतत् का मतलब ऐसा, ज्ञात्वा मीन्स जानकर दुख का अनुभव हुआ। वयम स्वास्थ्य नियममाम पालनम अवश्यम कुर्याम, वयम का मतलब है हम सबको स्वास्थ्य के नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। ध्रुव, अब उसमें से एक बच्चे में से ध्रुव बोलता है, आचार्य के ते नियमः, वे कौन से नियम हैं? वयम ज्ञातुम इच्छामः, हम सबों को जानने की इच्छा है। संस्कृत साहित्य आयुर्वेद शास्त्रस्य एक ग्रंथ अस्ति, अध्यापक बोलते हैं कि संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद शास्त्र एक ग्रंथ है। तस्मिनेव, उसमें ही, एव इसमें लगाए, उसमें ही ग्रंथ स्वास्थ्य विषय विस्तारेण वर्णितमः, उसमें, उस ग्रंथ में ही स्वास्थ्य के विषय में विस्तरेण मतलब विस्तार रूप से वर्णित किया गया है। अब प्रकाश बोलता है, आचार्य ग्रंथस्य किम नाम अस्ति, केन च रचिता अयम ग्रंथ, ग्रंथ के क्या नाम है, केन च रचिता, और च का मतलब है और, कौन रचित किया है इस, अयम मतलब इस ग्रंथ को। अध्यापक अयम ग्रंथ महिषणा चरकेण रचिता, महान ग्रंथ महर्षि चरक जी ने लिखा है। ग्रंथस्य नाम चरक संहिता अस्ति, और ग्रंथ का नाम चरक संहिता है। अद्यापि चिकित्सका एतत् ग्रंथ ज्ञान वर्धनाय पठन्ति, अद्यापि मतलब आज भी, चिकित्सक का मतलब है डॉक्टर, इस ग्रंथ को ज्ञान अर्जन के लिए पढ़ते हैं, मतलब आज भी पढ़ते हैं। स्वास्थ्यैव धनम अस्ति, स्वास्थ्य ही धन है। शरीरेण स्वस्था जना एव सुखम अधिगंतु पठितुम क्रीणितुम धनम अर्जितुम देशम च समर्था भवन्ति। अब यहाँ पर बोल रहे हैं स्वस्थ शरीर वाले जना मीन्स लोग ही, सुख अधिगंतु सुख को प्राप्त कर सकते हैं, पठन्तुम मीन्स पढ़ सकते हैं, क्रीडन्तुम का मतलब है खेल सकते हैं, धन को अर्जितुम मीन्स धन को अर्जित कर सकते हैं, देश च उद्यनो समर्थ भवन्ति, और देश की उन्नति भी कर सकते हैं और समर्थवान भी हो सकते हैं। अनांदिका आचार्य स्वस्थाय रक्षाय वयम किम कुर्याम, आचार्य स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? आगे अध्यापक क्या बोलते हैं? अध्यापक सर्वप्रथम जना मतलब सर्वप्रथम मीन सबसे पहले, लोगों को सूर्य उद्यात मीन सूर्य उदय के प्रातः मीन्स पहले उठना चाहिए। नित्य क्रिया कृत्वा व्यायाम कुर्या, नित्य क्रिया मतलब फ्रेश होकर, नित्य क्रिया भी लिख सकते हैं, नित्य क्रिया करके व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम स्वस्थ है अति आवश्यक, व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। स्वच्छेन जलेन स्नानम कृत्वा स्वच्छानि वस्त्राणि धारयेयुः, स्वच्छ जल
से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र को धारण करना चाहिए। मुहमुरह का मतलब बार बार असमय है भोजन नहीं करना चाहिए। पयुषिता मीन्स बासी भोजन कदापि न खाद्यशु, बासी भोजन तो कभी भी नहीं खाना चाहिए। ईदृशम ऐसा भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भवति मीन्स होता है। सदैव स्वास्थ्य वर्धकानि, सदैव ही स्वास्थ्य वर्धक खाद्यानि मीन्स खाना को ही खाना चाहिए। रात्रो समय एव शयनम कुरेह, और रात्र को समय पर ही सोना चाहिए। शरीराय मनसा शुद्धि अपि आवश्यक है, स्वस्थ शरीर के साथ साथ मन की शुद्धि अपि मतलब भी आवश्यक है। अतः जना ईश्वरम आचार्य गुरन वृद्धान च, इसलिए लोगों को ईश्वर आचार्य मीन्स आपके टीचर गुरु जी और गुरु हान का मतलब है बुजुर्ग की सेवा करना चाहिए। मनसा शुद्धये सदा सत्यम वदेयु, और मन शुद्ध करके ही सदा सत्य बोलना चाहिए। प्रिय वदेयु सज्जनाम, और प्रिय भी बोलना चाहिए। सज्जनाम संगति चर्यु च कुर्यु, और अच्छे लोगों की संगति, सज्जन लोगों की संगति करना चाहिए। नियमाम मा भिद्यन्तु, और नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। सर्व प्राणेषु, सभी प्राणियों को बंधु भूता स्यु, और बंधु जैसा मीन्स भाई बहन जैसा ही समझना चाहिए। इतेषां का मतलब होता है ऐसा ही। नियममान मीन्स नियम का, पालन मीन्स पालन, कृत्वा मीन्स करके, जना मीन्स लोक, सदैव मीन्स हमेशा, मन शरीर और मन और शरीर से स्वस्थ होकर हो सकते हैं, इसमें कोई शयोक्ति नहीं है, अर्थात इसमें कोई शक नहीं है। स्वस्थे नागरिके देश अपि उन्नयते, स्वस्थ नागरिक ही देश की भी उन्नति करता है। सर्वे छात्र, सभी छात्र बोलते हैं अब। अद्य मीन्स आज, वयम मीन्स हम सब को ज्ञान, विंदाम का मतलब होता है कि हम सब लोगों को यह ज्ञान मिला कि यत मतलब कि स्वास्थ्य ही धनम है, स्वास्थ्य एव धनम अस्ति, स्वास्थ्य ही धन है। अध्यापक अब बोलते हैं स्वस्था भवेत, स्वस्थ हो, आयुष्मानता भवेत, और आयुष्मान रहो, मीन्स में कहें तो आयुष्मान का मतलब होता है लंबी उम्र हो। सभी को आशीर्वाद देते हो।